अपना काम धंधा करने जाते हैं। उज्जैन में काम धंधे के नाम पे जीरो है। यूरिया खाद के लिए एमपी डीएपी सबके लिए परेशान बताए। अभी तो हाल फिलहाल तो सिंगर्स के भरोसे ही उज्जैन चल रहा है। चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र की एक भी रोड आप सीधी दिखा दो जहाँ डामर आपको दिख जाए। एक टावर पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मात्र 2 रुपए स्क्वायर फीट। सवाल मत करिए, नहीं तो आप सीआईडी आपके पीछे लग जाएगी, सीबीआई आपके पीछे लग जाएगी। जो है चलने दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। मूड ऑफ एमपीसीजी की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन वैसे तो महाकाल की नगरी है और यहाँ के राजा महाकाल ही है, लेकिन यहाँ की जनता 2 विधायकों को चुनती है। यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, एक विधानसभा उत्तर और दूसरी विधानसभा दक्षिण। महाकाल की नगरी उज्जैन की एक और विधानसभा सीट है उज्जैन दक्षिण। उज्जैन दक्षिण ऐसी सीट है जो शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी आती है और इसे आप नया उज्जैन भी कह सकते हैं। सिंहस्थ के दौरान पूरे उज्जैन को ही कई सारी सौगातें मिली और इसमें उज्जैन दक्षिण में भी कई सारे विकास काम हुए। जहां तक सियासी मिजाज की बात करें तो ये सीट पिछले 20 साल से बीजेपी के कब्जे वाली सीट है। पार्टी यहां से चेहरे बदलती रही, लेकिन दक्षिण की जनता बीजेपी उम्मीदवारों को ही चुनती रही। सियासी मिजाज। उज्जैन दक्षिण सीट 1957 में अस्तित्व में आई और इस सीट से पहले विधायक चुने गए कांग्रेस के अयाचित विश्वनाथ वासुदेव। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस की हंसा बहन यहां से विधायक चुनी गई। 1967 के चुनाव में उज्जैन दक्षिण सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई और भारतीय जनसंघ के गंगाराम ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद 1972 के चुनाव में यही सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई और कांग्रेस के दुर्गादास सूर्यवंशी यहां से विधायक बने। 1977 से उज्जैन दक्षिण सीट अनारक्षित हो गई और 77 में गोविंद नायक ने चुनाव जीता। इसके बाद 1980 और 85 का चुनाव भी कांग्रेस ने ही जीता। बीजेपी ने 1990 में यहां पहली जीत दर्ज की और बाबूलाल महेरे यहां से चुनाव जीते। इसके बाद केवल 1998 का चुनाव था जब कांग्रेस की प्रीति भार्गव यहां से विधायक चुनी गई। इसके बाद से तो बीजेपी का इस सीट पर पूरा कब्जा है। सियासी समीकरण। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी से शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव यहां से प्रबल दावेदार हैं। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसी साल हुए नगर निगम चुनाव में मोहन यादव बीजेपी के लिए जीत की संजीवनी बूटी लेकर आए, क्योंकि बीजेपी ने मेयर का चुनाव बेहद कम वोटों के अंतर से जीता तो उसमें उज्जैन दक्षिण विधानसभा का अहम रोल था। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि उज्जैन जनपद जो कि ग्रामीण इलाका है और इसके 25 वार्ड का ज्यादातर हिस्सा दक्षिण विधानसभा में आता है, वहां से जनपद अध्यक्ष बीजेपी का नहीं चुना जा सका। ये मोहन यादव के लिए झटके से कम नहीं है। हालांकि इस हार का बदला बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर लिया। झटके वाली बात तो ये भी है कि कोर्ट ने भी जनपद चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लगाई याचिका खारिज कर दी। बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी क्योंकि बीजेपी में फूट पड़ गई थी। बहरहाल इस बार भी मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र वशिष्ठ और मोहन यादव के बीच हो सकता है। वशिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं और अभी भारत जोड़ो यात्रा के सह समन्वयक भी। हालांकि वशिष्ठ के साथ कई और भी दावेदार इस दौड़ में शामिल हैं। जातिगत समीकरण। उज्जैन दक्षिण सीट पर भी करीब 40,000 से 50,000 वोट मुस्लिम समुदाय के हैं और यहाँ राजपूत समाज के वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है, जो हर बार दोनों पार्टियों से टिकट की मांग करता है। पिछली बार राजपूत समाज ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, मगर पार्टी ने राजेंद्र वशिष्ठ को टिकट दिया तो दिग्विजय सिंह को राजपूत समाज के लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए आना पड़ा। मुद्दे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा के नगरीय इलाकों में पेयजल का मुद्दा अहम है, क्योंकि कई नई कॉलोनियां बनी हैं जहां पानी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहां खराब सड़कों का मुद्दा अहम है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार राजेंद्र वशिष्ठ ने तो यहां से सद्बुद्धि यात्रा ही शुरू कर दी। पिछले 2 महीने से वो यात्रा निकाल रहे हैं और वशिष्ठ खराब सड़कों के मुद्दे को खूब बना रहे हैं। हालांकि मोहन यादव की तरफ से ये दावा किया गया है कि सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी एक शहर के विकास से दूसरा शहर का विकास रुक जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ये देती है कि वहाँ के अगर नेता कार्यकर्ता अगर एक्टिव है और यहाँ पे कहीं से हो सकता है डील पोल हो रही हो, तो इस कारण से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अभी तो हाल फिलहाल तो सिंगर्स के भरोसे उज्जैन चल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में देखने आ रहा है। तो हर बात को लेकर सिंगर्स ही बीच में आता है, उसकी जो राशि आती है उससे डेवलपमेंट होते, रोजगार का तो बहुत कम है यहाँ पर।
गोभी मेथी की भाजी यहाँ आपको 2 रुपए किलो बिकेगी एक दो दिन बाद, अभी पहले 40 रुपए किलो बिकी, अब 2 रुपए और सब्जी मंडी वाले फेंक जाते नहीं बिकता, पौने दाम नहीं मिलते। तो ये कृषकों के आधार पे कृषक प्रसंस्करण जो खेती के चीज़ें उनके प्रसंस्करण के उद्योग लगे हैं तो बहुत संभावना है। बड़ी बड़ी यात्री बसें यहाँ चला दी थी, उतने रोड नहीं है, उतनी सवारी भी नहीं, छोटी मिनी बसें चल जाएँ ट्रैफिक के लिए तो लोगों का सुगम यातायात हो जाए। छोटी सी दूरी का 100 रुपये ऑटो का किराया देना पड़ता है, इंदौर में वही किराया 40 रुपये लगता है। तो ये सुविधाएं यहाँ के पर्यटकों को ठगाई होती है, बाहर से आते हैं कि हमारे यहाँ तो इतना है, लेकिन छोटी दूरी का ऑटो का किराया ज्यादा। कल्याणमय नदी है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ नाले गंदे बह रहे हैं, उसमें 1000 करोड़ रुपए सरकार लगा चुकी है लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं मिला जनता को। वो सिर्फ साधु संत की जो जमीन है वहाँ पे पक्के पक्के मकान बन चुके हैं और सिंहस्थ के लिए वहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं, उज्जैन में पार्किंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, अभी अपने महाकाल लोग बना तो गए लेकिन पार्किंग के नाम पे कुछ भी नहीं, परेशान हो रही पब्लिक, रोड जोड़ी होना चाहिए, जो व्यवसाय में उन्नति हो चाहिए, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ बिजनेस नहीं है ना, जैसे यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद हो गई है, उनको चालू होना चाहिए। तो अब तो क्या है देखो चाचा की वो मिल थी वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब नया क्या हो सकता है, नया टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है अब तो। 5-6 हज़ार में जॉब करते हैं सर यहाँ पे, बहुत सारा कोई भागल कॉरिडोर में जो अभी लगे नई वैकेंसी आई है, हॉस्पिटल वगैरह में 5-6 हज़ार रुपये रखते हैं और 12-12 घंटे करवाते, क्या बनता है बड़े करने वाला भी पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करे, 12 घंटे खींचेगा दिन भर, उसको शाम को जाके पढ़ाई करेगा, खाना बनाएगा, फैमिली को टाइम देगा, क्या करेगा सर 12-12 घंटे करवाते हैं यहाँ पे जॉब। क्या कि आप आनंद आ रहा है कि आना सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी महंगाई है तो हो जाएगा, मार निमट जाएगी, कोई समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो ये तो चलता रहेगा, मोदी जी के राज में बहुत आनंद आ रहा है। ये घोटाले होते रहते हैं, घोटालों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई इस पर जवाब देने वाला नहीं है, उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे मोदी जी ने पाकिस्तान को वो कर दिया, मोदी जी ने वहाँ हमला कर दिया, वहाँ से युद्ध रुकवा के उनको बच्चों को बुला लिया यूक्रेन से, वो सब मुद्दे आ जाएंगे, आप उनसे कोई सवाल मत करिए, नहीं तो आप CID आपके पीछे लग जाएगी, CBI आपके पीछे लग जाएगी, जो है चलने दीजिए, धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों का मुद्दा भी है और इन तमाम मुद्दों पर जब BJP और कांग्रेस के नेताओं की राय जानी तो वो अपने अपने दावे करने से नहीं चूके। समय मेरे साथ कांग्रेस और BJP के पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं, मेरे दाएं हाथ की तरफ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं और बाईं तरफ जो है वो BJP के लोग हैं, और चूंकि विपक्ष में कांग्रेस है इस विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। साहब ये बताएं कि ये दक्षिण विधानसभा में है और हम पूरे उज्जैन की बात करें, 2 ही विधानसभा हैं उज्जैन में, एक तो महाकाल हैं और महाकाल लोक भी अब आ चुका है, लेकिन अभी भी उज्जैन को किस बात की और दरकार आप मानते हैं और इस विधानसभा को लेकर आपकी क्या है, इसमें कितने कुछ काम हुए? दक्षिण विधानसभा में अगर विकास के मामले में आप बात करोगे तो मैं समझता हूँ कि 230 विधानसभा मध्य प्रदेश की, तो सबसे पिछड़ी विधानसभा दक्षिण विधानसभा है, जबकि ये शहर में आती है। आप यहाँ से अगर मेरे साथ चलेंगे फतेहाबाद तक, आपको दो फीट के गड्ढे दिखेंगे, चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र की एक भी रोड आप सीधी दिखा दो जहाँ डामर आपको दिख जाए, एक बात। दूसरी बात, कम से कम 100 कॉलोनियाँ दक्षिण विधानसभा के ऐसी है जब पेयजल की व्यवस्था का कोई साधन नहीं। तीसरी बात, 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री यहाँ रह रहे हैं, अभी वर्तमान मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर मिनिस्टर है, अभी यूनिवर्सिटी का क्या हाल हुआ, कितने पायदान खिसक गए यूनिवर्सिटी हमारे, जबकि यहाँ के खुद मंत्री जी हैं। तीसरी बात, आज रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से यहाँ पर काबिज है मध्य प्रदेश में, लगभग 1.5 साल हमको मौका मिला था, तो उन 20 सालों में मध्य प्रदेश में यहाँ के अभी वर्तमान मंत्री मोहन यादव जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे को गिना दे कि ये 100 युवा खड़े हैं इनको हमने रोजगार दिए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। आज बिजली के कारण आम जन इतना परेशान है, लाखों रुपये बिजली के बिल यहाँ पर आ रहे हैं, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना सड़क है, मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रतिनिधि हमारे बीच में है जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे 20 साल। माननीय हमारे वहाँ के दक्षिण के विधायक और मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, आपको ये बता दें कि उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय जो 200 से यहाँ पर विश्वविद्यालय है, जिसका ग्रेड जब मंत्री नहीं थे तो A+ ग्रेड था और आज जब वो मंत्री हैं तो B+ ग्रेड हो गया, मतलब जो ग्रेड था वो नीचे आ गया। मुख्य जब उच्च शिक्षा हमारे मोहन यादव जी हैं तो हमसे पूछना चाहते हैं हम उनसे कि ये ग्रेड कैसे नीचे आ गया, जो ग्रेड A+ था वो B+ पे चले गया। तो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा माननीय मोहन यादव जी ने कोई सा एक अच्छा काम छात्रों के लिए, यहाँ कोई नया कॉलेज खोला हो,
या नई कोई पोस्ट खोला हो, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री है, हम उनसे पूछना चाहे कुछ भी उन्होंने नहीं करा। वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी जनता जनता के प्रति क्या करा? अभी तो आपने भूमि पूजन और वो सब करे 20 साल में, आज ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। 20 साल में कमलनाथ जी ने क्या करा? 1.5 साल में कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल किया। 1.5 साल में कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए महाकाल 1 प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत करिए। 1.5 साल में कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण किया। 1.5 साल में कमलनाथ जी ने 70,000 किसानों को कर्जा। किसान आज भी जो किसानों के नाम पर 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, वो किसान आज भी आंसू पोछे नहीं जा रहे उनके। इतना कर्जा उनके ऊपर वो चढ़ गया कि हम कर्जा माफ करेंगे, वो आज भी भुगत रहे हैं। कोई युवाओं को रोजगार नहीं दिया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, झूठे सर्टिफिकेट भी किसानों के बांट दिया गया, ये सब किसने देखा? सर ये जो 20 साल से मेरी सरकार है, मैं जय किशन गोविंदानी, और इनका कहना, इनका ऐसा कहना है कि साहब इनके 20 साल से हमारे कार्य नहीं हुए। जनता हमें लगातार चुन रही है, सरकार 2003 से है हमारी, सरकार हमारी है, बिल्कुल है। अरे भैया है ना सरकार, भैया आप बोलने तो दीजिए हमारे प्रश्न का। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमने लाडली लक्ष्मी योजना को उनके खाते में पैसे दिए। अरे पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, छिपरा शुद्धिकरण के नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, खान डायवर्सन का दूषित पानी छिपरा मैया में मिल रहा है, किस बात का विकास किया? महाकाल लोक के नाम पे 220 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांडिंग में खर्च कर दिया है, मतलब सिर्फ अपनी ब्रांडिंग। और अभी महाशय बोल रहे थे मेरी सरकार, अब इनके घर की सरकार हो गई भी। आप इनसे पूछो कि आज 101 पंचायत में अगर 100 प्रधानमंत्री आवास का आवेदन पड़े तो 37-97 उसमें अभी प्रत्यक्ष रीत है, मतलब तीन आवास देकर किस तरीके से ये बेवकूफ बना रहे हैं। आज गांव के वालों की हालत देखो, आज इनसे पूछो लेकोड़ा जाते हैं वहाँ की हालत देख लो सड़कों की, आप इनसे पूछो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी ग्रामीण जो सड़क है, पहले तो कह रहे मेन सड़क गाँव से जुड़ी थी, आज तो ये कंडीशन है उज्जैन दक्षिण की कि एक गाँव से दूसरा गाँव भी जुड़ गया है, मतलब जो खेतों के रोड थे ना वो भी डामर बन चुके हैं, और रोड टू मतलब मैं क्या देखो उज्जैन भाई साहब मतलब अभी आप यहाँ से लेकोड़ा पड़ता है 16 किलोमीटर, आप 15 मिनट में पहुँच जाओगे केवल, क्या अगर रोड खराब हो तो 15 मिनट में कोई पहुँच सकता है 16 किलोमीटर? यहाँ से आप अगर नागरी जाते हो 8 किलोमीटर तो आपको आधा घंटा लगता है, जबकि हम 15 मिनट में पहुँच सकते हैं गाँव यहाँ से। और सर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो शहर अध्यक्ष जी खड़े हैं, इनकी सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, अरे कांग्रेस की सरकार आप भी की हुई ना, आप कांग्रेस के तो इसलिए आपके कह रहा हूँ, तीर्थ दर्शन योजना जो करी थी वो क्यों बंद हुई? लाडली लक्ष्मी का पैसा क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा संबल बंद कर दिया गया, जिस संबल के माध्यम से हमने करे। सर मेरा प्रश्न का उत्तर लीजिए, जो आम जनता से जुड़े बिजली का बिल 100 रुपए करा, माता बहनों की पेंशन 300 से 600 रुपए करी, किसानों का कर्ज माफ करा, ये हमसे जवाब करे? हमने चालू करी, उनसे बड़ी योजना चालू करी, जहाँ पेंशन 300 थी वहाँ 600 करी। लाडली लक्ष्मी योजना जो थी उसके लिए उन्होंने साहब ने जो पैसा स्वीकृत किया 51,000 रुपए शादियों के लिए, 51,000 रुपए करे कौन कह रहा है? शादी नहीं कर रही है, 51,000 कर तो दिए, 25 से 51, एक भी शादी नहीं कर रही है। फिर हमारे मध्य प्रदेश के जैसे पहले दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे, सुना दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे वो बोलता था की विधायक खरीद लिए पैसे देखा से। अच्छा मेरा सवाल, एक मेरा सवाल, एक आप युवा हैं और चूंकि हम जिस विधानसभा में खड़े हैं वहाँ के विधायक है तो वो उच्च शिक्षा मंत्री भी है, इधर से आरोप लगा कि साहब यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उसकी हालत बड़ी ख़राब है, उसकी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी पूरी तरह सही है और मध्य प्रदेश के भारत की पहली यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ पर अभी नई शिक्षा नीति चालू हुई है। वो जो रोड सड़क खराब ये बता रहे हैं, ये खराब पहले से नहीं है, ये बन रही है इसलिए खराब है। आज हम मकान का भी काम करते हैं तो उसे बनाने में भी 2 साल लगते हैं। अब ये जो पहले आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री बोलते थे अपने दिग्विजय सिंह जी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सड़क की जरूरत नहीं क्योंकि बैलगाड़ी चलते हैं, तो अब कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे कि वहाँ सड़क सांदीपनी आश्रम यहीं पर है, कृष्ण यहाँ पड़े हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि साहब दुनिया भर के लोगों को यहाँ आना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं वो इंदौर वगैरह जाते हैं दूसरी जगह पढ़ने। यूनिवर्सिटी अब बन रहा है, नाले सिटी बन रही नरवल में, इतना अच्छे से बोलते हैं। और अगर आप ये देखें तो 2004 के 3 के पहले जो दिग्विजय सिंह जी जिनको बंटाढार मुख्यमंत्री कहा जाता है, उज्जैन से बड़नगर
हमने हल चलाए उस रोड के ऊपर, गेहूं बोए हमने, वो हालत थी। आप जो रोड की बात करो, यूनिवर्सिटी की जो बात आ रही है ना, यूनिवर्सिटी में कितने के हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए, कितने कोर्सेज बढ़ा दिए, इसका अंदाजा है? पहले कहाँ था, कुछ भी नहीं था भाई। किसके जो छात्र थे ओबीसी के, 40,000 छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। उच्च शिक्षा मंत्री यही है, यहाँ पर पूरी मुख्यमंत्री इनके हैं। आज तक के ओबीसी के छात्रों को पिछले साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली, करीबन 50,000 छात्र इनसे। युवाओं की बात हो रही थी रोजगार को लेकर, मैंने चैलेंज करा, ये गांधी जी खड़े हैं, इनकी पूरी पार्टी 500 युवाओं की एक लिस्ट दे कि भारतीय जनता पार्टी की उज्जैन शहर के 500 युवाओं को हमने रोजगार दिया, ये लाखों रोजगार पेपर में पढ़ने की बात। मैं तो कह रहा था 500 दिखा दो आप, तो खाली टावर पे बाबा जी के चरण में शरण में घोषणा कर रहा हूँ, आप मेरे घर आइए, चाय पीजिए, और 5,000 की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ जिनको रोजगार दिया। मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा, मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा, 5,000 की लिस्ट देकर मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा, कर रहा हूँ मैं तो चाय पे आमंत्रित कर रहा हूँ, मेरे निवास पे कर रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ बिजली का बिल। अरे दारू सस्ती, जुआ गड्ढे से खुले, खदान खुली, सड़कें सब, सारी बीमारी इस भाजपा की उज्जैन में है, आज भी आप पता कर सकते हैं। और ये बात करते हैं बिजली का बिल 100 रुपए कर दे, जो कमलनाथ जी ने बात करते हैं 220 की ब्रांडिंग की बात कर रहा, तो ब्रांडिंग दिख रहा है, ब्रांडिंग दिख रहा है। इंदौर रोड जाम है, देखने वालों की भीड़ है आज हमारा यहाँ पर पर्यटन विकसित हो रहा है, आप देख लो, आंखें खोल के। एक मिनट साहब, 15 साल से, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, 20 साल से इनकी सरकार थी। ये महाकाल लोक की बात करते हैं, हमारे पास प्रूफ है, कमलनाथ जी ने पूरे उज्जैन शहर के मठाधीश सब यहाँ के पूजा पंडित पुजारी और यहाँ के सामाजिक लोगों को बुलाया। 2018 के बाद उन्हें 300 करोड़ का प्रावधान किया, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी धर्म के प्रति। ये अब आके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि हमारी सरकार चली गई, उसके बाद फीता काटने का काम ये कर रहे हैं। इनको करना था तो 15 साल तक क्यों नहीं करा इन्होंने, बताता हूँ। अरे अभी बढ़िया बढ़िया उपलब्धि, एक मिनट तो मैं बोलूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं के नाम पर 0, कोई विकास नहीं। उन्होंने आपसे सवाल किया क्या, कांग्रेस ने वादा किया था एक मिनट भत्ता देने का, मेरे सुनो आप मेरी बात। कमलनाथ जी की सरकार एक विजन लेके आई थी मध्य प्रदेश में, युवाओं को रोजगार देने का विजन लेके आई थी, इस प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे स्थापित करने का रोजगार लेके, आप सुनेंगे 2 मिनट, उद्योग धंधे स्थापित करने का रोजगार विजन लेके आई थी। इनके जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की सरकार को जो गिराया है, इन्होंने उसमें 30-30, 40-40 करोड़ रुपए देकर विधायक को खरीदा है, तो सारा पैसा तो इन्होंने वहाँ लगा दिया। मंत्री जी का हुआ, उनके रिश्तेदारों का हुआ है, जहाँ खदानें उनकी है, दारू के ठेके उनके, और दारू की दुकानें मंदिरों की जमीनें खुली है। गांधी जी अगर आप बात धर्म की बात करते हो, पवार साहब चलो मेरे साथ कलाली, मंदिर की जमीन है, मंदिर की अलाट है, उस पर कलाली पे दारू बिक रही, क्या बातें करते हैं लोग, कहते कुछ करते। धार्मिक पर्यटन तो बड़ा है, लेकिन ये चूंकि मिल क्षेत्र था उज्जैन, यहाँ बहुत सारे मिले थी, ऐसे उद्योग फिर बाद में क्यों नहीं लगता? हमारी मक्सी रोड की उद्योगपुरी ले लो, पहले खाली पड़ी थी, पूरी कंप्लीट हो गई, आप सुनो बात, इसके बाद आप विक्रमादित्य गलत बात है, आप रोजगार कर दे अपना, जैसे 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 विक्रमादित्य नरवल में ताजपुर की पूरी अभी आज भी है, ताजपुर की आज भी आ रहे खाली, आज भी है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी जमीन ताजपुर, एक मिनट जो नरवल की जो है आप देखो उद्योगपुरी पूरी कंप्लीट हो गई, मेडिकल हब बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल हब अगर बन रहा है तो नरवल में बन रहा है। दे दी विदेश का निवेश, अरे विदेश, अरे उज्जैन का वेतन आवेदन आप कर दो, आपको मिल जाएगा। नरवल की बात कर रहा हूँ, हाँ दो है, 2 रुपए, अरे भाई साहब 2 रुपए, अरे भैया मैं यहाँ चिल्ला के बोल रहा हूँ, एक टावर पर चिल्ला के बोल रहा हूँ, मात्र 2 रुपए स्क्वायर फीट, अरे आप शहर के विकास में। हमारे इकबाल सिंह जी ने बोला है कि 2 रुपए स्क्वायर फीट दे रहे हैं, मैं 15,000 स्क्वायर फीट खरीदने को तैयार हूँ, दिलवा दे, स्वागत है सर, स्क्वायर फीट दिलवा दे, आपने 2 रुपए स्क्वायर फीट बोला है, मैं 15,000 स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, दिलवा दीजिए आप। लेकिन आपकी उसकी आर्थता है,
की पूरी कीजिए आप। और हमारा मुख्यमंत्री अगर कोई भ्रष्ट था तो 2003 के पहले दिग्विजय सिंह था। अभी 10 साल अभी ये मास्टर प्लान में 1-1.5 साल पे बंदरबाट चल रही है। मंत्री जी बोले कि ये जमीन को सीएससी से हटा के आवास में करनी है, फिर सांसद आते हैं तो बोले नहीं ये जमीन हटा के इसको आवास में करनी है। तो इन आपस की लड़ाई में इस शहर के विकास का जो मास्टर प्लान रहता है वो विकास का भटक के निजी शॉर्टों में आके अटक गया है। किसकी जमीन कहाँ लगी है तो उसको आवासी कर दो, किसकी जमीन नहीं है उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दो। तो ये मंत्री जी और इनके विधायक और सांसद सब मिलकर खेल कर रहे हैं और इस शहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजपुर में जो जमीन अलॉट कर रहे हैं उसमें 80 से 100 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। आपने अभी मुझे जानकारी दी कि वहाँ 2 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। एक मिनट गांधी साहब एक मिनट बात तो कर ले दो मेरे को एक मिनट। अरे एक मिनट अब मैं बोलूँ क्या कि आप किससे अभी जवाब किससे मांग रहे हो? आप मुझसे मांग रहे हैं ना आप? हाँ, 2 रुपये स्क्वायर फीट में मेडिकल हब। उज्जैन के कितने लोगों को वहाँ पे जमीन अलाट हो गई है भाई। पर्यटन भी अपनी जगह ठीक है, पर्यटन का काम करना चाहिए, बाबा महाकाल का लोग भी बनाना चाहिए, सारे काम करना चाहिए। हमारी भी आस्था बाबा महाकाल के प्रति है, बाबा महाकाल के कारण ही उज्जैन पहचाना जाता है। लेकिन भैया उद्योग धंधे भी तो स्थापित करो। यहाँ से देवास 38 किलोमीटर लगा हुआ है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया देवास में, लोग यहाँ देवास और इंदौर अपना काम धंधा करने जाते हैं। उज्जैन में काम धंधे के नाम पे जीरो है। किसान यूरिया खाद के लिए एमपी डीएपी सबके लिए परेशान, बताए अभी कहा है जवाब दीजिए। सरकार को देना है कि विपक्ष देगा ये एक पीड़ित आदमी आया है जिसने अपना लोन अप्लाई कर रखा है, आज तक लोन नहीं बताओ भाई। मेरा नाम महेंद्र अंगवाल है, हमने ही बुलाया है महेंद्र अंगवाल है, और मैंने खुद ने उद्यम कांत्री योजना में डाला है फॉर्म, लेकिन मेरा 6 महीने हो चुके अभी तक कोई मेरा लोन पास नहीं हुआ। फाइल अटकी पड़ी है, फाइल अटकी पड़ी है। फॉर्म आपको किस योजना किस उद्योग के लिए? उद्योग के लिए, मेरे कपड़ा उद्योग के लिए डाल रखा है। मेरी शॉप भी है छोटी सी गांव में बिछड़ो, उसके लिए मैंने फॉर्म डाल रखा है लेकिन हुआ ही नहीं अभी तक, 6 महीने हो चुके हैं। सर मैं निवेदन करूंगा सर, एक मिनट अरे रुक तो जाओ दादा, रुक तो जाओ आप एक मिनट, आप किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हो ना? नहीं किसी भी विचारधारा। अरे अचानक आया आपका चैनल देख के, पीछे देख रहे थे बस तो इधर आ गए। अब ये विचार की बात हो रही है भैया, आपको रोजगार में है कि नहीं? भैया मैं स्वरोजगार योजना में मैंने लोन लिया। हाँ सुननी पड़ेगी, देखा ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये परिस्थिति बनती है। ईमानदारी की जरूरत है यहाँ, सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होना चाहिए। महाकाल लोक का जो निर्माण होना, पर्यटन के अवसर उपलब्ध होने, उससे अच्छे से विपक्ष पक्ष अपनी जगह, लेकिन आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। एक मास्टर प्लान जो उज्जैन शहर के भविष्य की नींव है, जिससे भविष्य सर्वरे का उज्जैन का, उसमें पक्ष विपक्ष आम जन की सहमति लेनी चाहिए। पहले बिजली दिग्विजय सिंह जी के समय नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई, इसका मतलब जनता को गलत साबित कर रहे हैं। बिजली की समस्या की बात, ये जनता के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि वो बिक रही है, वो बिक रही है। 18 में पता, लेकिन मेरे शहर की जनता बहुत शानदार जानदार है, वो बिकाऊ नहीं है और बहुत बुद्धिमान है। ये हैं बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी, और उनका साफ कहना है कि उज्जैन दक्षिण जो विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस चुनी जाएगी। बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर विकास के कामों के आधार पर बीजेपी चुनी जाएगी। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी आपने देखा है वो इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलता है। दोनों पार्टियां श्रेय लेने की कोशिश करती है विकास कामों का, और इस समय इस पूरे मसले में एक बात और जुड़ गई कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी वो तो बीजेपी को मौका मिला है उस सरकार पर हमला करने का, और कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाती रहती। दूसरी तरफ आम लोग, स्थानीय नेता और स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के बाद कुछ और मुद्दे निकल कर सामने आए, जैसे 4 सालों में कितने विकास काम किए, उसमें कितनी राशि खर्च की, इलाके में गंदगी से निपटारे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या प्रयास किए, विधायक निधि का इस्तेमाल किन विकास कार्यों में किया, कहां कहां और कितनी सड़कों के नवीनीकरण काम किए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या काम किए। इन सवालों को लेकर दसूत्र ने मंत्री मोहन यादव से संपर्क किया, लेकिन यादव ने व्यस्तताओं का हवाला दिया और वो सवालों से बचते नजर आए, यानी मोहन यादव के पास इन सारे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है।
सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।